राहुल गांधी जो यात्रा करे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा, वो समझ लो कि पास है पूरा। अब इन सबको एंड में वहीं जाना है। नाराजगी कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही फैली पड़ी है जो सबको नज़र आ रही है। अंदर कमरे में जो बात हुई है वो कुछ और है। नीतीश कुमार तो ऐसा है कि अब तो इनका करियर ही ख़त्म है। अब जो कुछ बच रहा है इनका लास्ट 2-4 साल में कर लीजिए, इनका भी पत्ता साफ है इस बार। जो जनता को परेशानी होगी वो नेता लोग ही तो हल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नीतीश कुमार ने एक सवाल किया है कांग्रेस पार्टी से, और वो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन की पड़ी है तो वो चुनाव में क्यों व्यस्त है। अब इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से हमें पता है कि 26 से 28 पार्टियां शामिल है, लेकिन इस प्रकार से पहले समाजवादी पार्टी का हमला करना कांग्रेस पे, अब उसके बाद जेडीयू यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसका हमला करना, कहीं ना कहीं अपने आप में जो इंडिया गठबंधन है वो सवालों के घेरे में आता है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है इस गठबंधन में। अभी तो लोकसभा के चुनाव में लगभग 6 महीने बचे हैं, अभी से अगर दरारें आएंगी तो इस गठबंधन का क्या होगा। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय कि क्या कुछ उनका कहना है और वो क्या मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन को लेके, जो नीतीश कुमार या समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे कांग्रेस को बहुत चीज़ें कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव से मतलब है, वो चुनाव में व्यस्त है, इंडिया गठबंधन में कुछ काम ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी जो यात्रा करे थे, ये भारत जोड़ो यात्रा, वो समझ लो कि पास है पूरा। अब इन सबको एंड में वहीं जाना है, जैसे ये अपने आप टाइम से पहले चले रहे और वहीं रहना है। उनके अलावा कोई दूसरा चांस भी नहीं है इनके पास में, और दूसरा चेहरा भी नहीं है कोई सी। आपको लगता है राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा है विपक्ष के पास? जब ही सारे वापसी चले रहे हैं और जा भी रहे हैं, और क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं इसलिए वो सब वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा। और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव, उनका कहना है कि अलायंस में जो अभी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश में, तो वहाँ उनका कहना है कि वो अलायंस नहीं कर रही है, सिर्फ लोकसभा में जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वहीं पे अलायंस हो रहा है, और यहाँ पे छोटे छोटे अलायंस जो होते हैं राज्य स्तर पे वहाँ पे नहीं कर रहे। तो इसलिए वो थोड़े मतलब कि खफा भी हो गए थे, मतलब काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो आपको लगता है कि इस तरह से अगर नाराज़गी चलेगी तो ये पूरा गठबंधन चल पाए? नाराज़गी कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही फैली पड़ी है जो सबको नज़र आ रही है। अच्छा। अंदर कमरे में जो बात हुई है वो कुछ और है, दिखता कुछ और है, हो रहा कुछ और। हाँ, ये तो बस ऐसी हवा फैली हुई है ध्यान भटकाने के चक्कर में। नीतीश कुमार भी लेकिन खिलाफ में, उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव में अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन में जो काम करना चाहिए, जो ज़रूरत है, उस पर नज़रअंदाज कर रही है उस चीज़ को। ये नीतीश कुमार तो ऐसा है कि अब तो इनका करियर ही ख़त्म है। अब जो कुछ बच रहा है इनका लास्ट 2-4 साल में कर लीजिए, इनका भी पत्ता साफ है इस बार। इस बार एक ही हवा चलेगी राहुल गांधी की, सारी पार्टियां ख़त्म। राहुल गांधी आपको लग रहा है कि आने वाले हैं? 100% आने वाले, अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अबे उनकी कितनी पीढ़ी आ जाएगी तो भी नहीं आएगा राहुल गांधी। भाई क्या हो गया, मोदी ओनली फॉर मोदी। जो मोदी ने कर दिया वो कोई जिंदगी में पैदा ही नहीं हुआ प्रधानमंत्री जो कर देगा कुछ। मोदी करे, मोदी सबसे बेस्ट है भाई मोदी। मैंने कहा था ना आपको पहले, क्या उनकी कुछ खूबियां बताइए। खूबियाँ यही है भाई, अपने इंडियन आर्मी का पूरा साथ देते हैं, इससे ज़्यादा खूबी क्या होगी। साथ सारी सरकारें देती आई है, इंडियन आर्मी तो देश की आर्मी। कांग्रेस थी तो पहले इतना कोई साथ नहीं देता था उनका जितना आप साथ देते हैं। आप कहीं भी जाओ जहाँ आपको इंडियन आर्मी मिलेगी वो खुद बोलेगा मोदी सबसे बढ़िया है। 100 रुपये किलो प्याज हो गया, अब बताओ क्या चाहते हैं? चांद पे चलो चाहते क्या? 20 रुपये किलो प्याज था, 80 रुपये एक किलो पे बढ़ गया। अगर किसी ने 1000 किलो बेच दिया ना तो 80,000 रुपये तो उसका व्यवसाय बन गया। तो नेता तो कह रहे हैं कि जो टमाटर से पैसा बच रहा है वहाँ पे लगाइए, टमाटर पे जो पैसा बच रहा है वहाँ प्याज में लगाइए, नेता तो कह ही रहा है। तो ये सब नेता लोगों का काम है और क्या है। एक किलो प्याज पे 80 रुपये बढ़ गए, सुनो भाई, 1 किलो प्याज पे 80 रुपये। अगर उसने 1000 किलो प्याज बेच दिया, 80,000 रुपये बन गए नहीं बन गए उसके? वो एक महीने में है ना अरबों करोड़ोंपति बन गया एक महीने में, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जितना ये प्रदूषण आ रहा है पंजाब हरियाणा से, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, मतलब आंखों को अंधा हो, अंधे हो जाए बन गया। सुबह से सुबह नहीं हो। हाँ, आपको लग रहा है कि ये सारी जो अभी जो दिक्कतें हैं वो नेताओं की वजह से? तो ये जो जनता को परेशानी होगी वो नेता लोग ही तो हल करेंगे।
हमारे घर की परेशानी है तो आदमी और मियाँ बीवी तो हल करेंगे बच्चों की। हमने पैदा करा तो हम ही खिलाएंगे उनको। प्याज का जो रेट बढ़ चुका है अब इसकी जिम्मेदारी किस पे आप डालोगे? बढ़ते हुए कितने दिन हो गए? अभी तो हफ्ते हो गए, हफ्ता भर हो गया। मान लो अरबों करोड़ों किलो प्याज बिक गया, अरबों करोड़ों किलो, और कितना पैसा उन्होंने कमा लिया? एक किलो पे 80 रुपये बढ़ गए प्याज पे, और 1000 किलो उसने बेच दिया, 80000 रुपये तो उसको वैसे बन गए। आपको लग रहा है देश के जो जमीनी मुद्दे उस पर बात नहीं हो रही है मीडिया में? अरे जमीनी मुद्दे क्या करेंगे, लोग बाग अंधे हो रहे हैं, इतना प्रदूषण है ये, इसका कोई मसला ही नहीं है। तो प्रदूषण पे तो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, जो जैसे जनरेटर का इस्तेमाल कर, जनरेटर का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें तो बता, उधर से आ रही है, हरियाणा से, पंजाब से, ये तो ये दीवार खड़ा कर दे उधर। अरे क्या उसको तो रोक ही नहीं सकते, उस पर दीवार खड़ी करो। वो देखो उस पर जो बिगर लैंडर का बना हुआ है ऑल वर्ल्ड में, बिगर लैंडर का हो, जब हम छोटे छोटे से थे ना, इतने इतने से आसमान नीचे आ रहा, चलते चलो, चलते गए, चलते गए, ऊपर जाए जा रहा आसमान। तो जब हम इतने से थे, मना आसमान नीचे आ रहा है यार, वहाँ से नीचे गिर रहा है। वो अंकल हरिद्वार में है। बताओ इसका कुछ करो, कोई मसला। और कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले लोकसभा के, एक तो इंडिया का, आपने फिर वो बात, आपने जवाब ही नहीं दिया। गठबंधन के तौर, हाँ गठबंधन की बात, हाँ क्या की लिख जाएगी ऐसे ही, चार की ले गठबंधन कभी चला? अरे एक ओरिजिनल पार्टी नहीं चलती तो 15 गठबंधन करेंगे तो कहाँ चलेगी? 38 पार्टियां तो एनडीए में भी, अरे वो 38,000 हो तब भी नहीं चलेगी, सिंगल ही पार्टी चलती है। बीजेपी हार जाएगी तो आप क्या रहे हो? एनडीए में मतलब बीजेपी जिसमें है उसकी बात कर रहा हूं। जीत भी गया ना तो एक घंटे के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या 49 मिनट के लिए बनेगा? अरे मैं कह रहा हूँ एक सेकंड के लिए भी नहीं बनेगा, बनते हैं ना खींचा तानी, कोई उसकी खींचेगा पर पैंट खींचने के चक्कर से जूता खींच के ले जाएगा। तो क्या 24 के चुनाव में आएगा तो मोदी को असली मसले पे आओ, जिसमें जब आएंगे तो मोदी फिर असली मसले पे बात क्या? आज तक हिंदुस्तान को ऐसे बहुत ऐसे कम बंदे हैं कि कितने साल हो गए आजाद हुए, किसी को बहुत कम ऐसे बंदे हैं, 76 साल हो गए आजाद हुए। आज तक 76 सालों में हिंदुस्तान को, दिल्ली को पूरी तरीके से पानी नहीं दे पाए। जब भी गर्मी होगी ना, हर किसी न किसी विधायक के वजह के हर बंदा मटका फोड़ता है, पानी नहीं आ रहा जी। आज तक 76 साल में कौन मोदी जी व्यवस्था कर, मोदी जी ने व्यवस्था किया होगा फिर बापा नगर में तो बहुत बुरा हाल है। हाँ बहुत बुरा हाल है, और सबसे पहले बसा हुआ बापा नगर। 31 साल से रह रहा हूँ बापा नगर में, पानी नहीं आता, नाल सीवर जाम है। क्या रवि बीसीएस की ऑफिस वहाँ पे है, वो देखने नहीं आता कभी। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की इंडिया और एनडीए गठबंधन के ऊपर। हमने बातचीत की कि एनडीए तो एक तरफ है ही जिसमें 38 पार्टियां हैं, उधर ही फिर इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी कई पार्टियां हैं, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार से गठबंधन के अंदर से ही जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो नीतीश कुमार की या फिर समाजवादी पार्टी हो अखिलेश यादव की, दोनों जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये गठबंधन की जो राह है, मुश्किल होती है आसान होती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।